Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious, and this is Monica Srivastava in front of you guys again with a fresh video of mine. And yes, in this video we will be talking about GATE 2021. One subject we will choose, and today our subject is particle physics. So I'll tell you all about particle physics, what is the syllabus for GATE 2021 in particle physics, which type of questions are coming, frequently come, and how to solve those questions, etc, etc. So here we go. First of all, these are some important topics of particle physics in which we have to study the elementary particles, photons, baryons, mesons and leptons. Some conservation laws we have to study is like, we have to study, those are like energy conservation law, momentum conservation law, isospin conservation, baryon conservation, charge conservation and all. So some exact conservation laws and some approximate conservation laws we will study. We'll see through the questions which type of conservation laws we usually have to opt out to solve the questions. Next one is the quark model, the discovery of quark, the types of quark, how to solve the reactions based on the quark, etc. We will study. And at last, the decay of particles. So the decay of particles, how is the reaction going on, how the decay of particles is happening, etc, etc. So we'll study these topics one by one, and the easiest way to understand the topics is to solve more and more questions. तो इससे क्या होगा कि हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं आपको बताऊंगी कि उनको कैसे सॉल्व करना है. तो यहाँ पे मैंने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए. देर आर 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपका पूरा पार्टिकल फिजिक्स कवर हो जाएगा अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं तो. और इन क्वेश्चंस को मैंने गेट के प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया है और अपने हिसाब से सॉल्व किया है. तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया आएगा. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द बेसिक प्रोसेस अंडरलाइंग द न्यूट्रॉन बीटा डीके इज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रॉन बीटा डीके, अब देखिए बीटा डीके मैं आपको बता देती हूँ तीन टाइप का होता है. तो दैट इज बीटा प्लस डीके, ओके. सेकंड वन इज बीटा माइनस डीके एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर. इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इन तीनों को ही हम बीटा डीके की सीरीज में रखते हैं. हमें चार रिएक्शंस दे रखी हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा न्यूट्रॉन बीटा डीके का बेसिक प्रोसेस है. तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं. सबसे पहले तो न्यूट्रॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज यूडीडी. क्वार्क स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी, कुछ और क्वेश्चंस आएंगे तब. प्रोटॉन का जो क्वार्क स्ट्रक्चर होता है वो होता है यूयूडी. व्हाट इज यू हियर, यू इज, यू है हमारा अप क्वार्क, अप क्वार्क. डी है हमारा डाउन क्वार्क. बेसिकली ये फर्स्ट सीरीज फर्स्ट जनरेशन के क्वार्क है. यहाँ पे प्रोटॉन की क्या हो गई स्ट्रक्चर, यूयूडी. अब हम इन रिएक्शंस को इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं और हमें बनाना है ड्यूट्रॉन. यहाँ पे ड्यूट्रॉन टूट रहा है, यहाँ पे सॉरी डाउन क्वार्क टूट रहा है. यहाँ एस फॉर स्ट्रेंज क्वार्क, अगेन डाउन क्वार्क, अगेन अप क्वार्क. और हमें इस तरह से बनाना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उससे हमें बीटा डीके मिले. बीटा डीके इज बेसिकली द गेटिंग ऑफ न्यूट्रिनोज. सो हमें न्यू ई प्लस इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, ओके.
सो हमारा न्यूट्रॉन बीटा डीके, इसका मतलब न्यूट्रॉन टूटेगा, ठीक है? तो चलिए, न्यूट्रॉन टूटेगा, न्यूट्रॉन किस में टूटेगा? हमारा जो बेसिक बीटा डीके प्रोसेस होता है वो ये होता है, न्यूट्रॉन डीके होता है प्रोटॉन में प्लस, अब जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स बनते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि बीटा डीके को शो कर रहा है, और उसी के साथ एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है? तो ये है हमारा बेसिक प्रोसेस बीटा डीके का। इन चारों रिएक्शंस में से जो भी ये प्रोसेस को बनाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर UDD, प्रोटॉन का UUD, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन तो है ही। तो देखिए, आप यहाँ पर भी U है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक D भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? D जो है, D वो टूटेगा U प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन, तो D टेंड्स टू U प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन। आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सो दिस इज द इजिएस्ट मेथड, और आपको इस तरह के क्वेश्चंस को इन्हीं मेथड से करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन बीटा डीके कैसे होता है, क्या उसकी रिएक्शन है, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, विच इज मैच द रिएक्शंस ऑन द लेफ्ट विद द एसोसिएटेड इंटरेक्शंस ऑन द राइट। यहाँ पे आपको तीन रिएक्शंस दे रखे हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में तीन इंटरेक्शंस दे रखे हैं, और हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन किस प्रोसेस के थ्रू होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, पाई प्लस, पाई जीरो और पाई माइनस, ये होते हैं पाई मेसोन्स। क्या होते हैं ये? पाई मेसोन्स। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पाई मेसोन्स होते हैं, वो तीन होते हैं, कौन कौन से? पाई प्लस, प्लस पाई जीरो और पाई माइनस। तो यहाँ पर जो तीनों ही प्रोसेस है उनमें पाई प्लस और पाई जीरो की बात हुई है, ठीक है? अच्छा, अब हमारा मेसोन टूट रहा है, देखिए किस में टूट रहा है। फर्स्ट रिएक्शन देखिए, फर्स्ट रिएक्शन में मेसोन लेप्टॉन्स में टूट रहा है, क्योंकि म्यू क्या होते हैं? लेप्टॉन फैमिली का एक पार्ट है। तीन टाइप के लेप्टॉन होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन फैमिली, एक म्यूऑन फैमिली म्यू माइनस, और एक होती है टॉ फैमिली टॉ माइनस। तो ये तीन जो होते हैं ये लेप्टॉन फैमिली का पार्ट है, तो मेसोन्स लेप्टॉन्स में टूट रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन में। सेकंड में क्या हो रहा है? मेसोन जो है पाई मेसोन, वो गामा यानी फोटॉन्स में टूट रहा है, ये दो फोटॉन्स हैं। थर्ड जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है? मेसोन और एक न्यूट्रॉन जुड़कर मेसोन और प्रोटोन बना रहे हैं, ठीक है? न्यूट्रॉन और प्रोटोन्स जो है वो बैरियंस होते हैं, ठीक है? चलिए अब देखते हैं, जब कोई मेसोन किसी लेप्टॉन में टूटता है, मींस अगर लेप्टॉन बनते हैं तो किस तरह का इंटरेक्शन होता है। तो फर्स्ट वन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेप्टॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, तो लेप्टॉन जब बनते हैं तो याद रखिए वीक इंटरेक्शन के थ्रू, लेप्टॉन हमेशा वीक इंटरेक्शन के थ्रू बनते हैं। तो जो फर्स्ट वाला होगा वो किसके थ्रू हो गई, क्या प्रोसेस हो गई? वीक इंटरेक्शन। गामा रे यानी फोटोन्स, फोटोन्स हमेशा कब निकलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में ही निकलते हैं। तो जो सेकंड वाली हो गई वो कौन सी प्रोसेस हो गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब थर्ड जो बच गई वो हो गई स्ट्रांग। तो देखिए, फर्स्ट का क्या हो गया? वीक, यानी फर्स्ट का क्या हो गया? थर्ड। सेकंड का क्या हो गया? सेकंड। थर्ड का क्या हो गया? फर्स्ट। तो क्या राइट ऑप्शन हो गया हमारा? फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड, थर्ड का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर है, ठीक है? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर थ्री इज ऑन योर स्क्रीन। इन द बीटा डीके ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टेंड्स टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, द एंटी न्यूट्रिनो न्यू ई एस्केप्स डिटेक्शन, इट्स एग्जिस्टेंस इज इनफर्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ। हमें एंटी न्यूट्रिनो का डिटेक्शन करना है तो हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है, किस तरह से डिटरमिनेशन हो जाएगा। ऑप्शन ए बोल रहा है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी बोल रहा है एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी बोल रहा है हेलिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑप्शन डी बोल रहा है फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सीधा सा आंसर है, इसको याद कर लीजिए कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम इस पूरी रिएक्शन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगा लेंगे और एनर्जी के अकॉर्डिंग हमको ये पता चलेगा कि हमें एंटी न्यूट्रिनो मिला या नहीं मिला। इजी क्वेश्चन था। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर फोर,
The isospin and the strangeness of omega minus baryon are. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ जो पार्टिकल्स हैं उनका आप स्ट्रेंजनेस याद कर लीजिए. और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल है क्योंकि इसका स्ट्रेंजनेस सबसे अलग होता है. आपको याद रखना है जो ओमेगा माइनस है उसका स्ट्रेंजनेस -3 होता है, और स्ट्रेंजनेस -3 सिर्फ एक ही पार्टिकल का होता है, वो है ओमेगा माइनस. सिर्फ इसी का स्ट्रेंजनेस -3 होता है, ठीक है. और इसका आइसोस्पिन जो होता है वो होता है 0. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा. आइसोस्पिन I3 जो होता है ओमेगा माइनस का, वो 0 होता है. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5. द क्वार्क कंटेंट ऑफ सिग्मा प्लस के माइनस पाई माइनस एंड प्रोटोन इज इंडिकेटेड. सिग्मा प्लस इक्वल्स टू यू यू एस, के माइनस इक्वल्स टू एस यू बार, पाई माइनस इक्वल्स टू यू बार डी, पी इक्वल्स टू यू यू डी. इन द प्रोसेस पाई माइनस प्लस पी टर्न्स टू के माइनस प्लस सिग्मा प्लस, कंसिडरिंग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस ओनली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. आपको इस रिएक्शन पर बात करनी है कि पाई माइनस और प्रोटोन मिलकर के मेसोन और सिग्मा प्लस बना रहे हैं. अब ये प्रोसेस अलाउड होगी तो क्यों, और अलाउड नहीं होगी तो क्यों? तो हमें सिर्फ इसी प्रोसेस के लिए चेक करना है. तो ये जो ऊपर की जितनी भी बात दे रखी है यहां से यहां, उसका ज्यादा काम नहीं है हमारे लिए. इस क्वेश्चन में जो पकड़ने वाली बात है वही है रिएक्शन. हम इस रिएक्शन में स्ट्रेंजनेस, आइसोस्पिन और बैरियन नंबर को कंजर्व करवा के देख लेंगे. अगर जो कंजर्व नहीं हुआ तो प्रोसेस अलाउड नहीं होगी, अगर कंजर्व हुआ तो प्रोसेस अलाउड होगी. तो देखिए कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस. तो हमारी रिएक्शन है पाई माइनस प्लस प्रोटोन टेंड्स टू के माइनस प्लस सिग्मा प्लस. अब पाई माइनस तो स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, ये तो नॉन पार्टिकल है, तो इसकी स्ट्रेंजनेस 0 हो गई, प्रोटोन की भी 0 हो गई. के मैसोन ये स्ट्रेंज पार्टिकल है, इसकी स्ट्रेंजनेस -1 होती है. सिग्मा प्लस की स्ट्रेंजनेस भी -1 होती है. तो देखिए डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर कंजर्व नहीं हुई, यहाँ पे तो 0 हो गई जबकि यहाँ पे -2, तो स्ट्रेंजनेस नंबर कंजर्व नहीं हुई. आइसोस्पिन भी देख लेते हैं, इसकी आइसोस्पिन -1 होती है, इसकी प्लस हाफ, इसकी माइनस हाफ और इसकी प्लस 1, तो यहाँ पे आइसोस्पिन भी कंजर्व नहीं हुई, ठीक है. चलिए बैरियन नंबर भी देख लीजिए आप, क्योंकि ये पाई मैसोन है तो इसका बैरियन नंबर 0 होता है, इसका 1 होता है, ये भी मैसोन है इसका भी 0 होता है, ये बैरियन है इसका भी 1 होता है, बैरियन नंबर तो कंजर्व हो गया. तो देखते हैं ऑप्शन मैच करवाते हैं कौन सा आंसर होना चाहिए. ए प्रोसेस इज अलाउड, अलाउड तो है ही नहीं क्योंकि आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है. बी भी ऑप्शन गया, अलाउड तो है ही नहीं है. सी क्या बोल रहा है, द प्रोसेस इज नॉट अलाउड बिकॉज डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा I3 नॉट इक्वल टू 0, ये सही हो जाएगा. द प्रोसेस इज नॉट अलाउड बिकॉज बैरियन नंबर इज वायलेटेड, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बैरियन नंबर तो वायलेट हो ही नहीं रहा. तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेस्पॉन्ड टू फंडामेंटल पार्टिकल्स. तो ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, फंडामेंटल पार्टिकल्स तो 3 ही होते हैं, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 7. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. न्यूट्रॉन इंटरैक्ट्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन, इलेक्ट्रॉन डजंट इंटरैक्ट टू वीक इंटरैक्शन, न्यूट्रॉन इंटरैक्ट टू वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन, क्वार्क इंटरैक्ट थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बट नॉट थ्रू वीक इंटरेक्शन. हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटोन हमेशा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से इंटरेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया. बी क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन डजेंट इंटरेक्ट टू वीक इंटरेक्शन, ये भी गलत हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वीक इंटरेक्शन से ही इंटरेक्ट करेगा. न्यूट्रोनो इंटरेक्ट थ्रू वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, न्यूट्रिनो जो है वो वीक इंटरेक्शन से तो इंटरेक्ट करेगा बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से नहीं करेगा, तो ये सी भी गलत हो गया. डी बोल रहा है कि क्वार्क इंटरेक्ट थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बट नॉट थ्रू वीक इंटरेक्शन, तो क्वार्क जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से इंटरेक्ट करता है, वीक से नहीं करता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया यहाँ पे. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन. द डीके प्रोसेस न्यूट्रॉन टर्न्स टू प्रोटॉन प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन वायलेट्स. बैरियन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, आइसोस्पिन एंड स्ट्रेंजनेस.
तो देखिए सबसे पहले बैरियर नंबर चेक करते हैं। इसका बैरियर नंबर कितना है? 1। इसका कितना है? 1। इसका 0, क्योंकि ये बैरियर नहीं है, इसका भी 0, तो बैरियर नंबर कंजर्व हो गया। इसका मतलब बैरियर नंबर वायलेट नहीं करेगा, ऑप्शन ये गलत हो गया। लेप्टन नंबर चेक करते हैं। एक बार मैं सारे स्लाइड पे से इंक्स हटा देती हूँ, फिर हम चेक करेंगे। लैपटॉन नंबर चेक करते हैं, तो देखिए इसका लैपटॉन नंबर 0 हो गया, क्योंकि ये लैपटॉन नहीं बैरियोन है। इसका भी लैपटॉन नंबर 0 हो गया। इसका लैपटॉन नंबर कितना हो गया? 1। इसका लैपटॉन नंबर कितना हो गया? इसका लैपटॉन नंबर भी, क्योंकि ऑब्वियसली इसका 1 है तो इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो आता है, ये एंटी न्यूट्रिनो है तो इसका -1 होगा, तो लैपटॉन नंबर भी कंजर्व हो गया। इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो गया। जो कंजर्व नहीं होगा वही तो रिएक्शन को वायलेट करेगा ना। आइसोस्पिन चेक करते हैं। इसका आइसोस्पिन कितना होता है? इसका आइसोस्पिन होता है फ्रेंड्स -1/2। प्रोटोन का कितना होता है? +1/2। इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो का तो आइसोस्पिन असाइंड ही नहीं है, ठीक है, तो इनका आइसोस्पिन असाइंड नहीं है। देखिए यहाँ पे -1/2, यहाँ पे +1/2, आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है तो आइसोस्पिन वायलेट करेगा। स्ट्रेंजनेस कैसे देखेंगे? स्ट्रेंजनेस तो देख ही नहीं सकते ये, क्योंकि ये सभी नॉन पार्टिकल्स हैं, स्ट्रेंज पार्टिकल है नहीं, तो स्ट्रेंजनेस तो असाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, मूविंग अहेड अप टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इज द आइसोस्पिन एंड बैरियोन नंबर ऑफ अप क्वार्क। अप क्वार्क के लिए बताना है, तो देखिए अप क्वार्क हो चाहे डाउन क्वार्क हो चाहे स्ट्रेंज क्वार्क हो, सबके लिए बैरियोन नंबर तो 1/3 ही होता है, बट अप क्वार्क के लिए आइसोस्पिन हाफ होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, आइसोस्पिन हाफ, बैरियोन नंबर 1/3। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ फॉलोइंग हाई एनर्जी प्रोसेस इज अलाउड बाई कंजर्वेशन लॉस। इनमें से कौन सी प्रोसेस कंजर्वेशन लॉस के थ्रू अलाउड है? तो हम कुछ बेसिक कंजर्वेशन लॉस चेक कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस अलाउड है या नहीं अलाउड है। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ चार्ज, बैरियर नंबर, लैप्टन नंबर और आइसोस्पिन को चेक करना। तो देखिए पहले रिएक्शन ए में चेक करते हैं, प्रोटोन प्लस एंटी प्रोटोन, लैम्डा नॉट प्लस एम्डा नॉट। तो बैरियर नंबर देखिए, प्रोटोन के लिए 1, एंटी प्रोटोन के लिए -1, लैम्डा नॉट के लिए 1, लैम्डा नॉट के लिए 1, तो बैरियर नंबर कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो रहा, तो ये प्रोसेस जो है ये तो यहीं पे नॉट अलाउड हो गई, ठीक है, ऑब्वियसली इट इज नॉट अलाउड। ऑप्शन बी में पहले बैरियर नंबर चेक कर लिया तो बैरियर नंबर कंजर्व हुआ। हम चार्ज चेक करते हैं, चार्ज कंजर्व नहीं होगा तो जो प्रोसेस बी है वो भी अलाउड नहीं होगी। चलिए ऑप्शन सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी की ये प्रोसेस है, इसमें बैरियर नंबर कंजर्व हो गया, चार्ज भी कंजर्व हो गया, आइसोस्पिन भी कंजर्व हो गया। तो देखिए जो प्रोसेस सी है वो अलाउड है। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। डी में अब ये लेप्टॉन्स हैं, म्यूऑन और इलेक्ट्रॉन दोनों, तो एल म्यू चेक करेंगे जो कि कंजर्व नहीं होगा, लेप्टॉन ई चेक करेंगे जो कि कंजर्व नहीं होगा, तो ये प्रोसेस भी अलाउड नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ जो है सी प्रोसेस अलाउड है, तो जो आपका ऑप्शन है वो सी बिल्कुल करेक्ट होगा। मूविंग अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इज सेइंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वार्क स्टेट्स क्यू 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 डिनोटेड बाय एक्स कैन नॉट बी अ पॉसिबल बैरियन, द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिकेटेड इन द सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं और ये जो प्लस 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 माइनस ये डिनोट कर रखे हैं, ये क्या है? ये इनके चार्ज हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है, और एक्स हमें बनाना है, ठीक है। अब देखिए जब भी हम बैरियोन की बात करेंगे, बैरियोन की बात करेंगे तो बैरियोन हमेशा तीन क्वार्क से मिलकर बनता है, क्यू क्यू क्यू, और जब भी हम मैसोन्स की बात करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में मैसोन होता तो मैसोन हमेशा क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलकर बनता है, यानी क्यू क्यू बार, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसका आंसर, हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए हमें x इक्वल्स टू क्यू 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 बनाना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक कीजिए, x प्लस प्लस है, प्लस प्लस यानी चार्ज कितना है? प्लस टू। तो प्लस टू चार्ज होने के लिए तीनों ही क्या होने चाहिए? अप क्वार्क होने चाहिए, क्योंकि अप क्वार्क का जो चार्ज होता है वो 2/3 होता है। मैंने आपको पहले बोला था कि क्वार्क से स्ट्रक्चर कैसे बनानी है वो मैं आपको बताऊंगी, तो सीख लीजिए इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। चार्ज कितना हमें बनाना है? प्लस टू बनाना है, क्योंकि ऑप्शन क्या बोल रहा है? एक्स प्लस प्लस। तो प्लस टू कब बनेगा? जब हम तीन अप क्वार्क को जोड़ दें।
तो यू यू यू, ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्लस टू बन गया। अब देखिए सेकंड वाला एक्स प्लस, हमें चार्ज क्या बनाना है, वन बनाना है, तो वन चार्ज बनाने के लिए क्या करेंगे, यू यू डी ऐसा कर देंगे, ठीक है वन बन जाएगा चार्ज। थर्ड वाले ऑप्शन में हमें क्या बनाना है, माइनस वन चार्ज बनाना है, तो हम क्या करेंगे, डी 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 कर देंगे, क्योंकि डाउन जो क्वार्क है उसका चार्ज कितना होता है, माइनस वन बाय थ्री। फोर्थ वाले में हमें माइनस टू बनाना है। अब देखिए डाउन अप कैसी भी मिक्सिंग कर लीजिए आप, एस भी ले आइए, डाउन के लिए चार्ज कितना है, माइनस वन बाय थ्री, अप के लिए चार्ज कितना है, प्लस टू बाय थ्री। आप इनके किसी भी तरह से कॉम्बिनेशन बनाइए, तीन में माइनस टू चार्ज कभी नहीं बनेगा, इसका मतलब माइनस टू तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कि करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिकेटेड इन सबस्क्रिप्ट एंड विच कैन नॉट बी अ पॉसिबल, तो माइनस टू वाला पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर। कंसीडर द प्रोसेस, म्यू प्लस प्लस म्यू टेंड्स टू पाई प्लस प्लस पाई माइनस। द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यूऑन्स इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द स्पिन सॉरी प्रोड्यूस द पायोन पेयर्स एट रेस्ट इज, हमें बताना है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी, म्यूऑन की, म्यूऑन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमें कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, जैसे कि म्यूऑन के लिए मास एम म्यू, पायोन का मास एम पाई। तो वैसे नेट के पेपर में ये वैल्यूज दी भी आती हैं, गेट के पेपर्स में भी आपको कभी कभी क्वेश्चन के साथ इस तरह से हिंट में ब्रैकेट बना के वैल्यू दे देगा, बट ये वैल्यूज याद भी होनी चाहिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, तो आपको अगर ये वैल्यूज याद नहीं होंगी तो आपके क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो एम यू कितना होता है, 105 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, एम पाई कितना होता है, 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। सी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने कूलम्ब होते हैं ये आपको पता ही है। अब देखिए जिसके लिए भी हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है या एनर्जी निकालनी है, उस पार्टिकल को लिखेंगे ई म्यू। टारगेटेड पार्टिकल्स, द प्रोडक्ट पार्टिकल्स आर, सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल इंटू सी स्क्वायर माइनस मास ऑफ द फादर पार्टिकल्स अपॉन 2mu, जिसका हमें मास निकालना है, यही फॉर्मूला है। तो हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा फॉर पेयर इट विल बी 81.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 81.7। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर। द डीके म्यू प्लस टेंड्स टू ई प्लस प्लस गामा इज फॉरबिडन बिकॉज इट वायलेट्स, ये फॉरबिडन है, इसका मतलब ये प्रोसेस हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही, कोई ना कोई कंजर्वेशन लॉ जो है वो वायलेट कर रहा होगा। क्या कंजर्वेशन लॉ वायलेट कर रहा है, चेक कर लेते हैं। देखिए म्यू प्लस टूट रहा है ई प्लस और गामा में, तो हमें पहले तो म्यूऑनिक इलेक्ट्रॉन नंबर चेक करना पड़ेगा और फिर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर चेक करना पड़ेगा। तो जब हम म्यूऑनिक इलेक्ट्रॉन नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई एल म्यू नहीं है, इसका मतलब म्यूऑनिक इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व नहीं होगा और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व नहीं होगा। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन नंबर इज नॉट कंजर्व्ड, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर। इन द SU3 क्वार्क मॉडल द ट्रिपलेट ऑफ मेसोन पाई प्लस पाई जीरो पाई माइनस हैज, मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रेंज पार्टिकल्स नहीं होते, नॉन पार्टिकल्स होते हैं। तो जो ऑप्शन सी और डी है वो तो यहीं पे डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंजनेस दे रखी है, ठीक है। तो अब देखिए आइसोस्पिन जो होती है वो थर्ड ऑफ आइसोस्पिन, जो आइसोस्पिन होती है वो उसके चार्ज से डिसाइड की जाती है। देखिए ये जो है इनकी मल्टीप्लिसिटी होती है थ्री, तो देखिए प्लस वन जीरो माइनस वन, इसका मतलब इसका आइसोस्पिन वन होना चाहिए, तो 14 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज इज वायोलेटेड इन दिस डीके, ये डीके हो रहा है, इनमें से कौन सा कंजर्वेशन लॉ है जो कि वायलेट हो रहा है। तो देखिए चार्ज तो कंजर्व हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज तो नहीं होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ चेक नहीं कर सकते, टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर या टॉ नंबर ये हो सकता है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे टॉ नंबर कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। देखिए L2
इसके लिए प्लस वन है, इसके लिए जीरो, इसके लिए जीरो और इसके लिए जीरो, तो नॉट कंजर्व। टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर तो कंजर्व हो ही जाएगा क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस आर सी कंजर्विंग, यहाँ पर सी है चार्ज, सी नॉन कंजर्विंग बट सी पी कंजर्विंग, यहाँ पर पी है पैरिटी, सी पी नॉन कंजर्विंग बट सी पी टी कंजर्विंग, यहाँ टी है टाइम, सी पी टी नॉन कंजर्विंग। तो किस तरह के इंटरेक्शन में क्या कंजर्व होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में सी कंजर्व होता है, सभी इंटरेक्शन में सी पी टी कंजर्व होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में सी पी कंजर्व होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है तो सी कंजर्व होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 17 इज हियर, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन 13C6 प्लस न्यूट्रिनो टेंड्स टू 13N7 प्लस एक्स द पार्टिकल एक्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पे स्टार लगाइए। इस तरह का क्वेश्चन इस साल भी आने की संभावना है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है, आपको बताना है कि यहाँ पे जो एक्स पार्टिकल है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है, पायोन है, एंटी इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इस प्रोसेस को सबसे पहले हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिनो है, अगर इस न्यूट्रिनो को यहां से हटाकर यहाँ पे लाएंगे तो ये एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए न्यूट्रिनो बन रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर हमें कंजर्व करवाना पड़ेगा, वो भी कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नंबर। तो एल ई क्या हो गया, यहाँ के लिए जीरो, यहाँ के लिए जीरो, ये माइनस वन होगा, जैसा कि मैंने बताया कि एंटी न्यूट्रिनो है तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होगा, माइनस वन। इसका मतलब एक्स का इलेक्ट्रॉन नंबर है वो प्लस वन होना चाहिए। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो कब बनता है, जब साथ में इलेक्ट्रॉन भी बने, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो का पेयर है, इसका मतलब एक्स क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 18, द पाई प्लस डिकेज एट रेस्ट टू म्यू प्लस एंड म्यू पाई, अज्यूमिंग द न्यूट्रिनो टू बी मासलेस द मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो इज, एनर्जी कैसे निकालते हैं, हमने पहले देखा अभी एक क्वेश्चन आया था, अब मोमेंटम कैसे निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए एम एक्स और एम यू की वैल्यूज आपको दे रखी है, ये एक्स नहीं है ये पाई है, ठीक है, एम पाई और एम यू की वैल्यूज आपको दे रखी है, आपको एनर्जी कैसे निकालते हैं ये पता है, बट एनर्जी इक्वल्स टू पी क्रॉस सी होता है, तो अगर आप एनर्जी निकाल लेंगे तो सी आपको पता ही होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो आपको पी मिल जाएगा, और इस तरह से आप निकाल लीजिए मोमेंटम। इजी क्वेश्चन है ये। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 19 इज हियर, द एलिमेंट्री पार्टिकल XI0 इज प्लेस्ड इन द बैरियन डिकुप्लेट शो बिलो एट, ये एक बैरियन डिकुप्लेट है। डिकुप्लेट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पार्टिकल्स रखे हुए हैं, 10 पार्टिकल्स को ही हम बोलेंगे पार्टिकल डिकुप्लेट। तो ये बैरियन का डिकुप्लेट है और हमें बताना है कि ये जो पार्टिकल है XI0 ये कौन सी पोजीशन पे हमें रखना है, पी पे रखना है, क्यू पे रखना है, आर पे रखना है या एस पे रखना है। ठीक है, तो XI0 है, इसकी स्ट्रेंजनेस के हिसाब से और I3 के हिसाब से हमें इसको सेट करना है। देखिए बैरियन डिकुप्लेट किस तरह का दिखता है ये देख लीजिए, इस तरह का। इन सभी की स्ट्रेंजनेस सेम होती है डेल्टा पार्टिकल्स की, इसलिए ये एक लाइन पर है, इन सभी की स्ट्रेंजनेस सेम होती है इसलिए एक लाइन पर है, इन सभी की स्ट्रेंजनेस सेम होती है, और इसकी स्ट्रेंजनेस तो आपको याद ही हो गई होगी -3 होती है। ठीक है, तो देखिए सिग्मा माइनस सिग्मा जीरो हमारा कहाँ है, आर पोजीशन पे, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देख लीजिए आप, इस तरह डेकुपलेट होता है बैरियन का। ये कैसे बनता है ये जब हम न्यूक्लियर पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20, इन द डीके म्यू प्लस टेंड्स टू इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस एक्स, व्हाट इज एक्स, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है, एक्स क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो तो बन रहा है, ठीक है, यानी ये पेयर साथ में है,
हमें बताना है कि x क्या होगा, तो देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए म्यू प्लस है जो कि क्या है, लेप्टॉन है। जब इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रिनो है तो लेप्टॉन के साथ भी एक लेप्टॉनिक न्यूट्रिनो होना चाहिए था, यानी यहाँ पर न्यू म्यू होना चाहिए था। जब ये न्यू म्यू इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो बन जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी समझदारी के साथ हम इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। पार्टिकल फिजिक्स में बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं गेट में। क्वेश्चन नंबर 21 इज कंसीडरिंग बैरियोन नंबर एंड लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज और आर अलाउड। इन दोनों में से आपको बताना है कौन सी प्रोसेस अलाउड होगी, तो हम लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉज को चेक कर लेंगे। देखिए फर्स्ट प्रोसेस के लिए कर रही हूँ मैं, सबसे पहले बैरियोन नंबर चेक किया, कंजर्व नहीं है तो फर्स्ट प्रोसेस तो अलाउड ही नहीं है। सेकंड में हमने चार चेक किया, कंजर्व है। स्पिन चेक किया, कंजर्व है। बैरियोन नंबर नहीं चेक करेंगे क्योंकि ये लेप्टॉन्स है ना सारे। फिर इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन नंबर चेंज किया, कंजर्व है। म्यूऑनिक लेप्टॉन नंबर चेंज किया, वो भी कंजर्व है। इसका मतलब फर्स्ट प्रोसेस कंजर्व नहीं है बट सेकंड प्रोसेस कंजर्व है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ओनली सेकंड प्रोसेस इज कंजर्व्ड। ओके मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑन योर स्क्रीन। ए मैसिव पार्टिकल एक्स इन फ्री स्पेस डीके स्पॉन्टेनियसली इनटू टू फोटॉन्स, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एक्स। एक्स जो है वो दो फोटोन में टूट रहा है, ठीक है। हमें बताना है एक्स क्या है, एक्स इज चार्ज्ड। स्पिन ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। एक्स इज अ बोसोन, एक्स मस्ट बी अ बैरियोन। तो देखिए कोई भी एक्स पार्टिकल दो गामा पार्टिकल्स में टूट रहा है, इसका मतलब गामा पार्टिकल्स की स्पिन क्या होती है, वन होती है और चार्ज होता है जीरो। देखिए जब हम स्पिन देखते हैं तो स्पिन जो है हमेशा एडिटिव क्वांटिटी है, तो जो हमारा स्पिन चेक करने का है वो क्या हो जाएगा, माइनस वन वन टू माइनस वन टू, यानी वन माइनस वन से लेकर वन प्लस वन तक टोटल स्पिन जो होगी वही होगी एक्स पार्टिकल की स्पिन, यानी कि जीरो से टू तक की स्पिन हमारी काम में आएगी। तो जीरो से टू में क्या आ गया, जीरो वन और टू, तो एक्स की स्पिन क्या होनी चाहिए, या तो जीरो होनी चाहिए या तो वन होनी चाहिए या तो टू होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी स्पिन कभी भी टू से ज्यादा नहीं होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो सकती है बट ग्रेटर देन तो नहीं होगी। इसका मतलब ऑप्शन बी ट्रू हो गया, ठीक है। एक्स के लिए इक्वल हो सकती है बट ज्यादा तो नहीं होगी, इसका मतलब ऑप्शन बी तो करेक्ट क्रॉस हो गया। एक्स इज चार्ज्ड, एक्स चार्ज पार्टिकल है नहीं, क्योंकि चार्ज तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। देखिए यहां से चार्ज तो जीरो आ रहा है। एक्स बोसोन है, बोसोन हो सकता है, ठीक है। एक्स मस्ट बी अ बैरियोन, बैरियोन नहीं होगा एक्स, करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 23, लो एनर्जी कोलिजन एस वेव स्कैटरिंग ऑफ पायोन विद ड्यूट्रॉन रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ टू प्रोटॉन। पायोन और ड्यूट्रॉन मिलकर टू प्रोटॉन बना रहे हैं। द रिलेटिव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजल्टिंग टू प्रोटॉन सिस्टम फॉर दिस रिएक्शन इज, हमें बताना है रिलेटिव ऑर्बिटल मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इजी क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को चेक करते हैं पैरिटी के थ्रू, क्योंकि हमारा पैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस वन की पावर एल, ठीक है। पैरिटीज जो होती है वो मल्टीप्लिकेटिव होती है। अब हमें याद रखना ये है कि पाइनसोन की पैरिटी माइनस वन होती है और ड्यूट्रॉन की प्लस वन होती है। तो देख लीजिए, कंपेयर करवा लीजिए, प्रोटोन की जो होती है वो माइनस वन होती है, जब आप कंपेयर करवाएंगे तो जो आपको एल की वैल्यू है वो वन मिलेगी, यानी एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो वन होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ये क्वेश्चंस गेट 2020 के हैं, ये क्वेश्चन भी गेट 2020 में आया, यानी लास्ट ईयर एग्जाम में। ए पार्टिकल एक्स इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस पाई प्लस प्रोटोन के प्लस प्लस एक्स वाया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। इफ द क्वार्क कंटेंट ऑफ के प्लस इज यूएस बार, क्योंकि ये मैस होना है ना, तो द क्वार्क कंटेंट ऑफ एक्स इज, ये क्या है, मैसोन है, ये क्या है, बैरियोन है, ये फिर से मैसोन है। मैसोन और बैरियोन मिलेंगे
तो मैसोन और बैरियोन ही बनना चाहिए। तो देखते हैं इसका जो आंसर है। देखिए मैंने बताया मैसोन, और ये क्या होगा, बैरियोन होगा। तो बैरियोन होगा तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि बैरियोन की जो पार्ट स्ट्रक्चर होती है वो क्यू 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 होती है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्स पार्टिकल है क्या, फिर हम उसकी क्वार्क स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो चार्ज देख लीजिए, चार्ज के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि एक्स का चार्ज प्लस वन होना चाहिए। बैरियन नंबर के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि एक्स का बैरियन नंबर प्लस वन होना चाहिए। स्पिन के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि स्पिन माइनस वन होनी चाहिए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका चार्ज प्लस वन हो, बैरियन नंबर प्लस वन हो और स्पिन माइनस वन हो, वो कॉम्बिनेशन है UUS। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है UUS। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, नहीं तो गेट में या नेट में या आईआईटी जैम में या जेस्ट में, TIFR में, BERC, हर एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। ए पार्टिकल वाई अंडरगो स्ट्रॉन्ग डीके, वाई टेंड्स टू पाई माइनस प्लस पाई माइनस, द आइसोस्पिन ऑफ वाई इज। तो देखिए आइसोस्पिन कैसे बताएंगे हम, वाई का आइसोस्पिन बताना है, पाई माइनस का आइसोस्पिन हमें पता है वन होता है, वन होता है, आइसोस्पिन इज द एडिटिव क्वांटिटी, तो वन और वन ऐड हो जाएगा, तो वाई का आइसोस्पिन क्या हो जाएगा, टू। इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना होती है पार्टिकल फिजिक्स में, जिस तरह के आज हमने देखे। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टडिंग। वील मीट अगेन। थैंक यू।